बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना, मतलब पूरे सीज़न हमने इतना एंजॉय किया ना, उसके बाद हम लास्ट अपना परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है कि अब लास्ट परफॉर्मेंस है, और थोड़ा एक्साइटमेंट भी है कि अब अपना ड्रीम कनाले जैसा नाम है ना इतना बड़ा, वैसा हम अपना परफॉर्मेंस दें ताकि पूरी ऑडियंस मतलब हिल के ना पागल हो जाए बिल्कुल। नाम तो सभी कंटेस्टेंट्स का हो रहा है ऑब्वियसली, और जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है, इतना सपोर्ट शुरू से रखा है, वो इतना प्यार रखा है, वो देखकर उससे ज़्यादा मुझे आई थिंक उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि इतने लोग कनेक्ट हो गए, इतने ज़्यादा लोग जुड़ गए हमसे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ट्रॉफी मिलेगी उसके बाद क्या देखते हैं आप अपने आप को अपना करियर? इंडियन आइडल की अगर ट्रॉफी मेरे पास होती है तो ऑब्वियसली उससे मुझे एक एक अच्छा एक नाम तो मिल ही गया पूरे सीजन में, और प्लस उसके बाद मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा कि इतने और बड़े लेवल पे मैं अपने इंडियन आइडल को रिप्रेजेंट करूँ एज एन जो मैं उसके उसका ऐसा रहे कि मैं अगले साल भी अगर एज अ गेस्ट आऊँ इंडियन आइडल में तो मैं प्राउडली बोल सकूँ कि मैं इंडियन आइडल का कंटेस्टेंट था, उसके बाद मैंने इंडियन आइडल को इतने नेक्स्ट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। Thank you so much. Thank you. बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। फिनाले होने वाला है तो सबसे पहले तो बोलेंगे कि टॉप सिक्स में आके मतलब बहुत ब्लेस्ड फील करें कि टॉप सिक्स तक आ चुके हैं, और आई होप कि इसके बाद की जर्नी भी मतलब अभी जिस तरह अच्छी हुई थी इसके बाद की भी वैसी अच्छी होगी। और मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि हमारा जो फिनाले होने वाला द ड्रीम फिनाले वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड एंड सबका एक्ट्स बहुत यूनिक होने वाला है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच। सभी लोग मिलके एक ग्रैंड वेलकम सॉन्ग भी करने वाले हैं, क्या है उसके बारे में बताइए। तो हमारा जो इस बार सबका एक्ट है मतलब ओपनिंग सॉन्ग है, फिर गर्ल्स का एक अलग सा एक्ट है, तो उसमें मतलब इतना ज़्यादा मतलब हम गाने के साथ साथ डांस भी कर रहे हैं, और हम मतलब हम एक प्रॉप्स में से ऊपर से ऐसे आ रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, और इतना अच्छा लग रहा है डांस करके गाने के साथ साथ, बहुत मज़ा आ रहा है। कहते हैं ना टॉप सिक्स में आना ही अपने आप विनर होना है, अगर आप जाना चाहें आपके अलावा अपने अलावा और किसे आप देखना चाहती हैं एज ए लीडर? जैसे कि आपने कहा कि टॉप सिक्स ही विनर्स है, तो जेन्युइनली ऐसा ही फील होगा कि अगर हमें से ऑब्वियसली किसी एक को विनर की ट्रॉफी मिलेगी तो जिसको भी मिलेगी जेन्युइनली ये फील होगा कि हम सबको मिली है। फिर भी आपका कोई है जिसको आप देखना चाहते हैं अपने अलावा? अपने अलावा ऑब्वियसली बोले तो शिवम। या इतनी अच्छी जर्नी रही है, क्या कहना चाहेंगे अपने अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक टिल नाउ आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, मतलब हम तो मतलब आप तो जानते हैं मैं सिंगर हूँ, बट आप यहाँ पे आके लोगों ने मेरा और एक जो मतलब मुझे जो और एक रूप दिया कि मैं एक एक्ट्रेस भी बन सकती हूँ, तो मतलब ये बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं कुछ भी करती हूँ मतलब लोग इतना पसंद करते हैं मेरे गाने को, मेरे जो भी मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेती हूँ उसको, तो बस बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही प्यार बरसाते रहे, क्योंकि आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेन चीज़ है। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। सबसे पहले अगर एक्टिंग में भी आपको मौका मिला तो मतलब एक्टिंग में भी जाना चाहेंगे? मुझे बेसिकली मेरा करियर मुझे सिंगिंग में ही करना, बट मुझे लगता है कि अगर अपॉर्चुनिटीज आए तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए, तो अगर मतलब अगर आती है तो मैं ऑब्वियसली उसका मतलब दिल खुश करके एक्सेप्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।